हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बेसन का लड्डू कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए, हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और ये हम पीसी चीनी ली है, ये हमारा घी है और कुछ डेकोरेशन करने के लिए हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिए हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो भी चलेगा। तो देखिए, चलिए हम कढ़ाई रखते हैं। अब इसमें हम घी डालते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइन में भी बना सकते हैं। ये देखिए हम घी डालिए। अगर आप बेसन को हम इसमें बेसन डालते हैं, जो इसको धीरे धीरे 6-7 मिनट तक भुनेंगे। इसको हम बराबर चलाते हैं, ऐसा आपको भूनना है जिससे ये आपको मतलब पका पका लगे। इसको हम लगातार चलाते हुए देखेंगे, इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, हमारी अच्छी खुशबू बेसन में आने लगी है। अब इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। देखिए कितनी अच्छी महक आ रही है, बेसन हमारा एकदम तैयार है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये देखिए, पीसी हुई चीनी 1 बाउल है। अब इसको मिला देंगे। इसी के साथ हम थोड़ा इसमें पानी का छींटा मारेंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी का इसमें छींटा मारेंगे और इसको हम बराबर चलाएंगे, जिससे आपका दानेदार होगा ये। इसको आप खूब अच्छे से चलाते जाइए। ये देखिए कितना दानेदार हमारा बेसन का लड्डू तैयार है। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएं। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट आप मार्केट का लड्डू भून जाएंगे। इसको हम ठंडा होने देते हैं। हम इसको लड्डू बनाते हैं। ये देखिए कितना आसान बन रहा है हमारा लड्डू। देखिए, हमारा लड्डू बन गया है। अब इसको हम ऐसे ही सारे लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लड्डू एकदम बन के तैयार है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।